वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के प्रमुख ट्रेडर अधुनम ग्रेप्सियस ने महामारी को लेकर एक राहत भरी खबर दी है। WHO प्रमुख ने कहा कि कोरोना वैक्सीन के परीक्षणों के पॉजिटिव परिणामों का अर्थ यह है कि अब महामारी का खत्म होने का सपना पूरा होने वाला है। हालांकि ग्रेप्सियस ने आगे चेतावनी देते हुए कहा कि बस अमीर और ताकतवर देश वैक्सीन को लेकर गरीबों को होशियों पर ना रखे। महामारी पर संयुक्त राष्ट्र महासभा के पहले उच्च स्तरीय सत्र को संबोधित करते हुए ट्रेडोस अधुनम ग्रेप्सियस ने कहा कि भले रास्ते में आगे धोखा मिल सकता है, लेकिन उन्होंने ये भी कहा महामारी ने अच्छे बुरे दोनों के लिए इंसानियत दिखाई है। उन्होंने चेतावनी देते हुए कहा कि एक टीका कमजोरी को संबोधित नहीं करेगा जो इसकी जड़ में निहित है। एक बार महामारी खत्म होने के बाद गरीबी, भूख, असमानता और जलवायु परिवर्तन का निपटारा किया जाएगा। वैक्सीन को लेकर उन्होंने कहा कि यह वैश्विक सार्वजनिक वस्तुओं के तौर पर हर किसी को समान रूप से बांटी जाएगी, ना कि निजी वस्तुओं के रूप में गिने चुने लोगों को दी जाएगी। वैक्सीन को एक समान तरीके से सभी लोगों को दिया जाएगा ताकि कोई भी व्यक्ति पीछे ना रह जाए। हालांकि वादा तो हर कोई बड़े बड़े करते हैं, मगर ये तो वक्त बताएगा कि वैक्सीन किन किन के हाथ लगती है और किन किन के हाथ नहीं। क्या ये अमीरी और गरीबी के बीच का खाई हटा पाता है या नहीं, ये तो वक्त ही बताएगा। आपकी क्या राय है इस बारे में कमेंट कर जरूर बताएं। धन्यवाद।